अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये ना थी हमारी किस्मत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अलिशबा जो कि रोज अपनी करतूतों की वजह से खुद ही फंसती जा रही है, अब उसका मिसकैरेज भी हो गया है और इसका जिम्मेदार भी दूसरों को ही ठहरा रही है। यहाँ तक कि यासिर तक को भी मिलने की इजाज़त नहीं दे रही सिर्फ इसलिए कि वो फोन करती रही और यासिर वक्त पर ना पहुँच पाया। अब किसने कहा था कि रोज बहाने करके उसे घर बुलवाए। अब बेचारा यासिर अलिशबा से मिलने उसके वालदैन के घर आता है तो वो तब भी उससे नाराज होती है और मिलने से इनकार करती है। ऐसे में अलिशबा के वालिद यासिर से कहते हैं, यासिर कुछ गलती तुम्हारी भी है, तुमने अलिशबा की जायज़ नाजायज़ बात को माना है। अब ये सुनने के बाद यासिर को अपनी गलती का एहसास होता है, अब उसके बाद तो वो अपनी ही करने वाला है। हालांकि यासिर ने तो बहुत कोशिश की अलिशबा को खुश रखने की, मगर वो तो नाशुक्री और नाकदरी औरत थी जिसने यासिर जैसे शौहर की कदर ना की। और दूसरी जानी मुंतहा ने अपने प्यार और सच्ची लगन और कुर्बानियों से अयान जैसे शौहर का दिल जीत लिया, लेकिन अयान अपने बुरे हालात और अपनी माली परेशानी की वजह से बहुत गिल्ट महसूस कर रहा है। वो मुंतहा से कहता है, मैं तुम्हारे मयार का नहीं हूँ। मुंतहा उसे तसली देती है, अयान मोहब्बत करने के लिए कोई मयार नहीं होता बल्कि वो तो हो जाती है। तभी अयान अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं, जैसे हमें हो गई एक दूसरे से। मुंतहा अयान के साथ बहुत खुश है और दोनों एक दूसरे को चाहने भी लगे हैं। इधर मुंतहा जब अलिशबा से मिलने अपने वालदैन के घर आती है तो अलिशबा मुंतहा को करी करी सुना देती है, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो, तुम तो मुझसे पहले दिन से हसद करती रही हो। अलिशबा की माँ से कहती है, मुंतहा तुम्हारी बहन है, वो तुमसे कैसे हसद करेगी। अलिशबा कहती है, अम्मी ये जलती है मेरी खुशियों से, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ मेरा माँ बनना, तभी तो मेरा मिसकैरेज हुआ है। अब इतनी बेइज्जती और जिल्लत सहने के बाद मुंतहा वहाँ नहीं रुकती, वहाँ से वापस आ जाती है। मगर अयान तो अच्छे से अंदाज़ा है अलिशबा के घटियापन का। वो मुंतहा से कहता है, जितनी बातें उसने तुम्हें सुनाई, अगर मुझे किसी और ने सुनाई होती तो मैं ज़िंदगी भर उसकी शक्ल ना देखता। अब यासिर तो अपने वालदैन के घर वापस आ चुका है और उसके वालदैन भी उसके साथ बहुत खुश। ऐसे में वो मुंतहा को कॉल करके कहता है, अगर तुम्हें मेरे वालदैन के घर उनके साथ आकर रहना है तो मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ, वरना तुम्हारी मर्जी है। अब ये सुनकर तो अलिशबा के 14 तबक रोशन हो जाते हैं। पहली बार यासिर के मुंह से ये सुनकर अलिशबा की तो आंखें बाहर आ गई। अब क्या करेगी अलिशबा, यासिर की बात मानकर अपने ससुराल वालों के साथ आकर रहेगी या फिर उससे अलहदगी अख्तियार कर लेगी, क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।